नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इधर सीए के विरुद्ध इनका जो कहना था, जो अभी जो इनसे बातचीत से बनना है, ये सीए के सपोर्ट में नहीं, इनका था कि सीए के विरोध में जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम प्रदर्शन आज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर इस कर लेकिन क्योंकि उस चीज़ को हमने ऑलरेडी पहले ही कल रात में मंत्रणा करके इसको हमने ख़त्म कर दिया है। इन लोगों ने सभी ने सहमति से ये स्वीकार किया कि आज के लिए स्थगित कर रहे हैं। तुरंत सिचुएशन में जबकि आज सरस्वती पूजा भी है, तुरंत फोर्स और मजिस्ट्रेट को ट्राई करना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो ऑलरेडी स्थगित हो चुका है। तो उसके उस प्रदर्शन के विरोध में फिर से प्रदर्शन की इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। ये तो प्रशासन, अगर ये लोग एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर हम विचार करेंगे। बाकी अगर जो अभी जो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ अराजकता की फैली है तो बिल्कुल उसके प्रिवेंटिव एक्शन शुरू होंगे। शाहीन बाग बनाने की बात, 31 को एक धरना की इजाज़त मिली है डीसी ऑफिस के सामने, शाहीन बाग के नाम से मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो जिस अल्प अवधि के लिए अगर मिला है उसके बाद अगर वो करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होती है, वो करेंगे। कह रहे गांधी मैदान, ऐसा कोई आवेदन मेरे पास नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि हम शाहीन बाग बनाए। लोकतंत्र में सभी को हक है, या तो सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में हो, अपनी बातें शांतिपूर्वक नियोजित रूप में रखने की। जस्ट बिकॉज ही किसी को ये अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अनियंत्रित वे में इस तरह से रखें कि लोहरदगा जैसा यहाँ विधि व्यवस्था की समस्या हो। बिल्कुल नियंत्रित वे में वो अगर परमिशन मांगते हैं, अगर वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम उसको उस बात के लिए प्रदर्शन उस धरने या आम सभा की अनुमति देंगे, हम रैली की अनुमति नहीं देंगे। शाहीन बाग जैसा किसी चीज़ को लेकर के सर 144 शहर में लगी है कि अभी इस वक्त नहीं लगी है, इस वक्त 144 नहीं लगेंगे, मगर जो पॉलिसी है वो यही है कि अभी भी वो बिना परमिशन के कैसे कर सकते हैं, बिना परमिशन के तो नहीं कर सकते, बिना परमिशन के आज बहुत कुछ इनोसेंस पैदा करने की भी कोशिश की गई है आपके सामने, प्रशासन के खिलाफ भी आप नारेबाजी की, कुछ इस तरह से क्या क्या कुछ होगा प्रशासन में? जिन्होंने जो किसी भी प्रयोजन को लेकर के न्यूसेंस फैलाने का काम करेंगे, विधि व्यवस्था तोड़ने का कार्य करेंगे या उसका प्रयास करेंगे, तो उसके लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, विधि व्यवस्था कार्रवाई होती है, आज शुरू होगी। ठीक है, बिल्कुल उसके लिए। बाकी बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे, कल रात में मीटिंग होकर के उन मीटिंग के उन्हें समझाया भी गया और उसके बाद उन्होंने लिखित रूप में स्वीकार भी किया कि आज स्थगित करते हैं, आज नहीं होगा। कुछ लोग जो बिना परमिशन के, कुछ लोग जो इनको सूचना नहीं मिल पाई, क्योंकि रात में करीबन 2:30 बज गए थे जब ये आम सहमति बनी और जब उन्होंने लिख करके दिया, तो उतनी देर में कुछ लोगों को हो सकता है सूचना नहीं मिली, उनको वहाँ से हटाया भी गया। तो 3 फरवरी को परमिशन दिया है, 3 तारीख को मिलेगा क्या? उसके लिए अभी ये आवेदन देंगे, फिर उसमें कई पहलू हैं। जब सीए के बाद या तो सपोर्ट में या अगेंस्ट में, हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाया है पूरे जिले प्रशासन के लिए, उसमें से ये है कि रैली की अनुमति शहर में किसी को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर धरना वगैरह करते हैं तो भी बकायदा अनुमति लेकर के, और इसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे
अगर अनुमति लेते हैं तो इसका मतलब हमें फोर्स डिप्लाई करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट डिप्लाई करना होता है। मैडम कई बार रात बुला करके आपने देखा होगा कि रात की यूनिट वगैरह भी बुला करके रखी जाती है, तो इसीलिए जब तक पहले से एप्लीकेशन नहीं होता है, प्रॉपर परमिशन का एक प्रोसेस नहीं होता है, तब तक हम लोग उसको परमिशन दे भी नहीं सकते। कल काफ़ी देर रात में काफ़ी देर तक मंत्रणा चली, उसके बाद से ये लोग स्वीकार किए कि ठीक है हम लोग कल के प्रोग्राम को स्थगित कर देते हैं। उन्होंने लिखित में भी दिया कि हम इस प्रोग्राम को स्थगित कर रहे हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हम लोग पहले से मैसेज दे चुके हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर आ जाएं जिनको यहाँ आकर के हमें समझाने की जरूरत पड़े। उन्होंने ठीक है हमारे पुलिस प्रशासन के भी लोग रहेंगे और आपका लेटर हमारे पास है, हम उन्हें समझा करके वापस भेजेंगे, यही चल रहा था। दूसरी साइड से जो ये लोग हैं इनका कहना था कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए और इसलिए वो इसके विरोध में यहाँ पर, ठीक है। तो इनको भी हमने कम्युनिकेट किया कि यहाँ पर हो नहीं रहा है आज की डेट में, तो खैर नहीं हो रहा है, बाद में जो परमिशन मांगेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। बस आज क्या कुछ हुआ सर? एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसकी बाइक गिरफ्तार की गई, यहाँ पर सीज किया गया। हाँ, अगर वो उसको डिटेन करके थाना ले गया है, हम लोग उसको। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।